साथियों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार एवं अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल जो है उनके संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये, इसकी स्थापना सबसे पहले आपका होती है और ये कहाँ पर है, चंदौली में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं के बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में, लखीमपुर खीरी एवं शाहजहाँपुर में इसका विस्तार है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये 1976 में स्थापित है, स्थापना वर्ष है। बहराइच में इसका विस्तार है। और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये 1977 में स्थापना होती है, बांदा एवं चित्रकूट में इसका विस्तार है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ये 1977 में इसकी स्थापना होती है और इसका विस्तार ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य ये आगरा और इटावा में इसका विस्तार है, 1979 में इसकी स्थापना होती है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य इसकी स्थापना 1982 में होती है, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में इसका विस्तार है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि सबसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद में इसका विस्तार है। इसका विस्तार कितना है, 2073 वर्ग किलोमीटर में है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, तो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य 1987 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर, महाराजगंज में। सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य आपका 1988 में, ये श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में इसका विस्तार है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य 1989 में इसकी स्थापना होती है और ये 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का, ये वाराणसी में इसका विस्तार है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार अभयारण्य की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जिसकी स्थापना होती है वो है आपका शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, जिसका पहले नाम था नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। इसकी स्थापना सबसे पहले 1984 में होती है और इसका विस्तार कहाँ पर, उन्नाव में। समस्तपुर पक्षी विहार 1987 में रायबरेली में है। लाख बहोशी पक्षी विहार आपका 1988 में कन्नौज में है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार 1990 गोंडा में है। समन पक्षी विहार ये आपका 1990 मैनपुरी में है। ओखला पक्षी विहार 1990 गौतम बुद्ध नगर में है। बघेरा पक्षी विहार 1990 ये बस्ती वर्तमान में संत कबीर नगर जिले में स्थित है, पहले बस्ती में आता था। विजय सागर पक्षी विहार जो है आपका 1990 महोबा एवं हमीरपुर। सांडी पक्षी विहार 1990 हरदोई। पटना पक्षी विहार आपका 1990 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर है, एटा में है। ठीक है, एटा में है। सुर सरोवर पक्षी विहार 1991 आगरा में। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, यह सुराहताल पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, 1991 में बलिया में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य 2003 में, कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ के बेती कुंडा में। और शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो है 2016 में सबसे लेटेस्ट है, ये कहाँ पर है, अलीगढ़ में। सबसे छोटा, सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा 0.4 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित यह जो है पक्षी विहार है। सबसे बड़ा, सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तारित कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ये है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार, 80.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कन्नौज में स्थित है। अब यहाँ के जो प्रमुख, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रामसर स्थल हैं, उन रामसर स्थलों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा, ये सभी जो है रामसर स्थल में सूचीबद्ध हुए हैं। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली। सूर सरोवर ये झील या कीथम झील आगरा। आपका सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। सरसई नवर झील इटावा। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर, हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर, बिजनौर सीमा। तो ये यहाँ पर कुल कितने हो गए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके पूरे 10 रामसर स्थल हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, 10, इन 10ों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।